बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फ़र्स्ट ईयर से मुखातिब हूँ, फ़र्स्ट ईयर MBBS। जब आप फ़र्स्ट ईयर में आपका एडमिशन होता है तो शुरू में तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है जी कि हम MBBS में आ गए हैं, लेकिन एज़ द टाइम पासेस आपको थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि थोड़ी सी टफ़ लाइफ है यहाँ पे MBBS में, बिकॉज़ आपके पास बुक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, सिलेबस काफ़ी है, और इस वजह से आपको जो है टेंशन शुरू होना होती है कि मतलब कैसे ये शॉर्ट टाइम में अब सारा कोर्स कवर करेंगे और सारा नॉलेज जो है ग्रिप करेंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, ये वीडियो बनाई है और आपको, ताकि इसके बारे में थोड़ी सी मैं आगाही दे सकूं, क्योंकि जब हम आए थे फर्स्ट ईयर में तो सेम प्रॉब्लम वो भी हमें भी फील हुआ था, तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर कर दें। तो नो डाउट थोड़ी सी लेंथी होता है, FSC में आपने कुछ मखसूस चीज़ें पढ़ी होती हैं, लेकिन जब आप MBBS में आते हो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर जाएगा ये आपको पता चलता जाएगा कि आप इसके ऊपर किस तरह जो है वो अबूर हासिल करेंगे। तो एनाटॉमी की बात करें, एक एनाटॉमी ही बहुत ज़्यादा लेंथी है, क्योंकि इसमें आपकी जनरल एनाटॉमी भी होती है, उसकी छोटी बुक है, फिर हिस्टोलॉजी होती है, फिर एम्ब्रियोलॉजी होती है, फिर अपर लिम्ब होता है, लोअर लिम्ब होता है, एंड देन थॉरिक्स होती है। तो थोड़ा सा ना चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं यहाँ पे MBBS में, लेकिन मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि अगर आप डे फर्स्ट से अपना एक वो बना लेंगे, एम बना लेंगे कि मैंने इस चीज़ को इस तरह लेके चलना है, तो एट द एंड आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है एंड वाले जो 2-3 माह होते हैं उनमें तैयारी करते हैं, तो फिर उनको जो है मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब वो बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। तो इससे बचने के लिए अगर आप जो है थोड़ा सा शुरू से थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कहता कि आप शुरू में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ना शुरू कर दें, आप जो है थोड़ा थोड़ा इसको लेके चलेंगे तो एंड पे आपको मसला नहीं बनेगा। तो इसमें जनरल एनाटॉमी होती है, वो बहुत ही इतनी मुश्किल नहीं है, वो सिंपल सी बातें हैं, आसान सी लैंग्वेज में लिखी हुई है, छोटी सी उसकी बुक होती है, और हिस्टोलॉजी जो है वो भी इतनी मुश्किल नहीं होती, वो भी आप आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जो इसके लिम्ब्स होते हैं ना, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और थॉरिक्स, उनको आपको समझने के लिए जो है वो काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसकी वीडियोज़ देखनी पड़ती हैं, फिर बोन्स होती हैं उनकी वीडियोज़ देखनी पड़ती हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उस तरह से फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसके लिए जो है कि जो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब हैं उसकी जो बोन्स की वीडियोस हैं वो यूट्यूब के ऊपर वेरन क्रिया की मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। बाकी जो इसके जनरल टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस के लिए आप जो है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बेस्ट है सेल्फलेस मेडिकोज। तो सेल्फलेस मेडिकोज का चैनल है एक यूट्यूब के ऊपर, उसको आप देखें, सब्सक्राइब करें, उसकी जितनी भी वीडियोस हैं वो हर टॉपिक के ऊपर अपर लिम्ब के अलग अलग से बनी हुई हैं, तो आपको कुछ ज़रा से भी उसके अंदर परेशानी नहीं होगी जब आप इसको देखेंगे और बुक से पढ़ेंगे। बिल्कुल उसने हर चीज़ A to Z बताई हुई है जी कि इसको आपने कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि इसमें 2 बुक्स होती हैं हमारे पास, वो BD होती है और KLM होती है, कुछ चीज़ें KLM से करनी होती हैं, कुछ BD से अच्छी लिखी हुई हैं। तो जब आप सेल्फलेस की लेक्चर्स की वीडियोस देखेंगे ना, तो आपको बिलीव मी कुछ भी परेशानी नहीं रहेगी, आपको हर चीज़ जो है A to Z पता हो जाएगी। फिर मैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली ये था कि मैं आपको बताऊं कि जो फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी का पेपर होता है, एनाटॉमी का पेपर होता है बेसिकली, वो आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है। तो इसमें याद रखिएगा कि एनाटॉमी इज़ नथिंग विदाउट डायग्राम्स। आपने देखा होगा कि आप अभी एनाटॉमी पढ़ रहे होंगे, अपर लिम्ब पढ़ रहे होंगे, लोअर लिम्ब पढ़ रहे होंगे, जो भी है, तो उसमें जब तक आप एटलस यूज़ ना करें, जब तक आप उसकी विजुअल उसको ना देखें, पिक्चर्स ना देखें, तब तक आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता होगा। तो सेम इज़ हेयर इन द, आप जब इसको प्रॉफ में आपका पेपर आएगा आपके सामने ना, तो उसमें भी जो भी क्वेश्चंस होंगे, अब देखो एक तो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कोई डायग्राम है ही नहीं, तो फिर तो उसमें तो डेफिनेटली आपने थ्योरी लिखनी होगी, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिसके अंदर डायग्राम भी मौजूद है, लेकिन एग्ज़ामिनर आपको कह नहीं रहा जी कि इसकी आप डायग्राम बनाएं, बट वो कह रहा है कि इसको डिस्क्राइब करें। लेकिन ये एक मेरी बात नोट कर लें, चाहे एग्ज़ामिनर कहे चाहे ना कहे, आपने उस टॉपिक की लाजमी जो है डायग्राम लाजमी बनानी है, डिस्क्राइब आपने करना ही है क्योंकि उसने कहा हुआ है, तो लेकिन डायग्राम भी लाजमी बनानी है इफ़ यू वांट टू गेट 2.5 out of 2.5 marks और 5 out of 5 marks, देन यू मस्ट ड्रा द स्केच
ऑफ दैट क्वेश्चन, अगर आप वो बनाएंगे तब जाके आपको जो है पूरे नंबर मिलेंगे। लाइक दैट, ये जो मेरा पेपर सामने है इसमें देखें क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें देखें जो इसका बी पार्ट है, उसने कहा है कि प्लांटर एपोनिरोसिस की डिस्क्रिप्शन करें और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। अब इसमें आपको उसने नहीं कहा कि आप इसकी डायग्राम बनाएं, बट रिमेंबर प्लांटर एपोनिरोसिस की जो है फिगर आप बनाएंगे और उसको साथ डिस्क्राइब करेंगे तब जाके आपको उसने 2.5 मार्क्स उसके पूरे देंगे वो, उसमें से एक नंबर भी आपका पॉइंट मार्क्स भी आपका नहीं काट सकता वो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, वो कहता है कि डिस्क्राइब द बाउंड्रीज ऑफ द क्वाड्रेंगुलर स्पेस, एनुमरेट द कंटेंट्स ऑफ दिस स्पेस। अब आपने उसको, उसने आपको डिस्क्राइब का कहा है बट आपने डिस्क्राइब करके उसकी जो फिगर है वो भी बनानी है, तब जाके आपको 2.5 आउट ऑफ 2.5 मार्क्स मिलेंगे। सो ये छोटी सी जो बातें हैं ना ये आपको बहुत यूज़फुल होंगी एट द एंड, जब आप प्रॉप में जाएंगे और प्रॉप जब आपका पेपर अटैम्प्ट होगा तो फिर आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि वाकई ये चीज़ जो है बहुत मैटर करती हैं। तो ये था आज का मेरा टॉपिक, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी कोशिश करूँगा कि आपको मुख्तलिफ इशूज़ जो हैं आप मुझे कमेंट्स में बताएँगे और मैं आपके मुख्तलिफ इशूज़ की जो है वीडियोज़ बना के आपको मैं इसका गह बह इन्फॉर्म करता रहूँगा। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह।